हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग चैप्टर फोर अपना क्या है, चैप्टर फोर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मैचिंग आएगा और एमसीक्यू आएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स का, और आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, मीन्स वैसे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। मीन्स इसका ओरिजिन क्या होगा, तो लिविंग बींग इसका ओरिजिन होगा। मीन्स जो भी एसिड्स हमको लिविंग थिंग से मिलेगा उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। और इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे पास है, जैसे सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो फ्रूट से मिलता है। कौन सा, सिट्रस फ्रूट से मिल रहा होता है। और कुछ एनिमल से बात करें तो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे हम बात करें रेड एंट्स, तो रेड एंट्स में कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो उसमें पाया जाता है मेरा फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये क्या कहलाएंगे, मेरे ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, बेसिस टेस्ट एंड हैव अ फील, तो बेस का टेस्ट कैसा होता है और उसका फील कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जानते हैं बेस का टेस्ट होता है बिटर, मीन्स कड़वा टेस्ट होता है, और उसका फील कहता होता है सॉपी फील होता है। सॉपी मीन्स स्लिपरी आप कह सकते हैं। ओके, स्लिपरी इन टच, ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज थे किसके, बेसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड्स टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू, मीन्स एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को कौन सा कलर में कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने आंसर क्या लिखा है, रेड। ध्यान दीजिए हम कैसे लर्न करेंगे, हम लोग को जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा या रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, जनरली ऐसा कन्फ्यूजन होता है हम लोगों के पास। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप उसको याद रखिए। मेरे पास क्या ट्रिक है, मेरे पास जो ट्रिक है उसका नाम है ABR, बिल्कुल सिंपल है। A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू कलर और R फॉर रेड, मीन्स जो एसिड्स होंगे वो ब्लू कलर को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड कलर में। ब्लू कलर मीन्स ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं कौन, एसिड्स, A फॉर एसिड्स। ओके, इसी तरह से जस्ट इसका ऑपोजिट कर दिए हम, बेस की बात करें तो बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर, प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के क्या प्रोडक्ट होंगे, तो आंसर होगा सॉल्ट एंड वाटर। तो हम जान लें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो जब एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एक्चुअली क्या होता है, बेसेस और एसिड्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर था। नेक्स्ट है मेरा, सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर नेम्ड एज, नाइट्रिक एसिड के जो सॉल्ट बनेंगे उसको क्या नाम दिया जाएगा, तो उसका नाम दिया जाएगा नाइट्रेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब क्या होंगे, नाइट्रिक एसिड्स के सॉल्ट्स होंगे। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, सोडियम एसिटेट CH3COONa, ये क्या है, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला है। सोडियम एसिटेट इज अ बेसिक सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, मीन्स ये जो बेसिक सॉल्ट है वो किसके किसके बीच रिएक्शन के कारण बनता है, तो इसका आंसर है मेरा NaOH एंड CH3COOH। देखिए NaOH क्या है मेरा अपना, तो NaOH अपना एक मेरा बेस है, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और CH3COOH क्या है मेरा, तो ये है मेरा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड ये क्या है मेरा, वीक एसिड है। तो आप देख रहे हो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच रिएक्शन के बाद बन रहा है, तो क्या होगा, ये मेरा बेसिक सॉल्ट होगा। तो हम जान गए बेसिक सॉल्ट। और यहाँ पे हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्टन करेंगे तो मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। चलिए हम आगे बात करेंगे उसकी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं
मैच द फॉलोइंग। देखिए आगे है मैच द फॉलोइंग, इसमें से क्या क्या है देखिए। हाँ हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है सोर्सेस, ओके, और राइट साइड क्या है हमारे राइट साइड एसिड्स है। तो ये जो सोर्सेस हैं उसमें से कौन से एसिड्स पाए जाते हैं उसको हमको सही मिलान करना है, ओके। तो फर्स्ट है मेरा लेमन जूस, लेमन जूस में कौन सा एसिड होगा, तो इसमें होगा मेरा सिट्रिक एसिड, ओके सिट्रिक एसिड। और दूसरा है टैमरिंड, इसमें मेरा होगा टार्ट्रिक एसिड, ओके। नेक्स्ट विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होगा, तो विनेगर में होगा एसिटिक एसिड, ढूंढिए ये है मेरा एसिटिक एसिड। और नेक्स्ट है मेरा रेड एंट्स, तो रेड एंट्स में होगा फॉर्मिक एसिड। अब देखो रेड एंट्स अगर हम लोग को बाइट करता है ना, डंक मारेगा, तो क्या होगा ना हम लोग को जलन होता है। किस कारण से होता है, तो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है उसी कारण हमको जलन होता है। नेक्स्ट बात करें सॉर मिल्क, मीन्स खट्टा मिल्क, यानी कि कहा जाए तो दही की बात हो रही है, कर्ड की बात हो रही है, तो उसमें कौन सा एसिड होगा, तो उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ओके। और लास्ट है अपना गाभा, गाभा में पाया जाएगा मेरा ऑक्जेलिक एसिड। इस तरह से हम लोगों ने मैचिंग कर लिया है। अब आइए हम लोग चलेंगे MCQ की ओर। तो ये देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, चलिए यहाँ पर क्या है ना फर्स्ट क्वेश्चन, बेसेस हैव अ, मतलब बेस में कैसा प्रॉपर्टी होता है, कैसा गुणधर्म होता है, ओके हम कैसे पहचानेंगे। तो पहला लिखा हुआ है बीटर टेस्ट एंड रफ फील, तो बीटर टेस्ट तो होगा मगर रफ फील नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की सॉर टेस्ट एंड रफ फील, तो सॉर टेस्ट तो नहीं होता है, नहीं, क्योंकि सॉर टेस्ट तो एसिड्स के होते हैं, यहाँ बेस का पूछा गया तो ये भी नहीं होगा। बीटर टेस्ट एंड सॉपी फील, यस दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन, तो हम लोग सी को टिक कर देते हैं यहाँ पर, बीटर टेस्ट एंड सॉपी फील, ओके। ये किसका प्रॉपर्टीज है, तो बेसिस की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल पूछा गया है क्या होगा। तो पहले हम लोग ये जान लें कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड्स और बेस के प्रेजेंट को बता देंगे, ओके। तो यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर की बात की गई है, मतलब जो नेचर से हमको मिल रहा होता है, सिंथेटिक नहीं है, ओके। तो नेचर से हमको कौन कौन से मिलते हैं, उसमें बहुत सारे जैसे टर्मेरिक हो गए, हाँ हिबिस्कस का जूस हो गया, ओके, रेड कैबेज जूस हो गया, तो ये सब मेरे क्या हैं नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन उसमें से यहाँ पे कौन है ऑप्शन, तो मिथाइल ऑरेंज नहीं, ये नहीं होगा, दूसरा इंक ये भी नहीं होगा, और फिनोप्थलिन नहीं होगा, ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर, और लिटमस दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिटमस पे टिक कर लेते हैं, ये कहाँ से मिलता है लाइकेन से मिलता है हमको पता है, ओके। चलिए आगे टिक द करेक्ट ऑप्शन का अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, एन एसिड दैट कंट्रीब्यूट्स टू द सॉर टेस्ट ऑफ सम फ्रूट्स, मीन्स सॉर टेस्ट किसके कारण होता है, कौन से एसिड के प्रेजेंट के कारण होता है सॉर टेस्ट फ्रूट्स का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ये सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके ये सब नहीं होगा, फिर नाइट्रिक एसिड ये भी नहीं होगा, थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, मीन्स सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में जिसके कारण उसका टेस्ट कैसा होता है सॉर टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है यहाँ पर हमको चुनना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको कहते हैं, वैसे एसिड्स जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और अधिक से अधिक आयंस बनाते हैं, ओके मैक्सिमम डिसोसिएशन होता है उसका, तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड है, सॉरी एसिटिक एसिड है नहीं, ये वीक एसिड है मेरा, सिट्रिक एसिड नहीं ये भी वीक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड द राइट आंसर, ओके नाइट्रिक एसिड सही जवाब होगा क्योंकि यही आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कार्बोनिक एसिड तो आपका वीक एसिड है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन अपना है सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस आर नोन एज, मीन्स एसिड्स और बेसिस के बीच जो रिएक्शन होता है उसमें उसके कारण उसमें जो मेरा बन रहा होता है प्रोडक्ट, ओके उसको हम क्या कहते हैं। हाँ तो हम जान रहे हैं कि एसिड्स और बेस के बीच जब रिएक्शन होता है तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर होगा, ओके सॉल्ट, यस फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, एन इंडिकेटर दैट टर्न्स रेड इन अ बेसिक मीडियम, मतलब वैसा इंडिकेटर जो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है
बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में कितना अच्छा क्वेश्चन है। इंडिकेटर के बारे में पूछा गया है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो एसिड और बेस के प्रेजेंस को बताएंगे, और यहाँ पे बोला गया है कि वैसा इंडिकेटर जो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कितने सारे इंडिकेटर्स हैं मेरे पास, टर्मेरिक दिए हुए हैं और फिनॉप्थलिन दिए हुए हैं और ब्लू लिटमस दिए हुए हैं और हिबिस्कस दिए हुए हैं। ओके, इसमें से कौन है जो बेसिक मीडियम में रेड कलर में कन्वर्ट होता है? तो ध्यान दीजिए ये जो हिबिस्कस का जूस है ये मेरा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेस के प्रेजेंट में। ओके, और ब्लू लिटमस बेस में तो ब्लू कलर ही रहेगा। ओके, और फिनॉफ्थलिन बेस में ये पिंक हो जाता है, पिंक कलर बेसेस के प्रेजेंस में ये पिंक कलर हो जाता है, और टर्मेरिक ये रेड कलर में हो जाता है। तो यही वाला आंसर होगा मेरा। ओके, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, टर्मेरिक। टर्मेरिक इज द राइट आंसर, ये बेस के प्रेजेंट में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, आइए ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, क्या है देखिए ध्यान दीजिए। द जनरल टेस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब एसिड्स और बेसिस के टेस्ट कैसे होते हैं ये पूछा गया है। तो एसिड्स का टेस्ट तो होता है सॉर, हम जानते हैं, और बेसिस का होता है बीटर। अब ढूंढिए, तो यहाँ पे देखिए सॉर एंड बीटर एकदम लास्ट में हमको मिल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिया है कौन सा लेसन का, तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।